फ्रेंड्स, वेलकम बैक माई चैनल एजुकेशन आर के पॉइंट। यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा आज का टॉपिक क्या है। तो अगर आप बीएड करने जा रहे हैं, वो भी कि 2020 में, तो 2020 में इन चार बातों का रखे ख्याल, वरना बाद में आपको पछताना ना पड़े। यानी कि वो चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से हैं, वो आपको एकदम रखना है। या तो आप 12th के हो, या 2 ईयर्स वाले बीएड हो, या 4 ईयर्स वाले बीएड, क्योंकि बीएड में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा है, आप जान रहे हो। अगर आपका गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, चलिए 20 से 25 हज़ार रुपया। अगर नहीं गवर्नमेंट कॉलेज मिला, तो आप देख रहे हो कि आज ही के पेपर में, आज ही की न्यूज में आया है कि लगभग 3 लाख रुपया, यानी कि 75,000 पर ईयर। आप समझ सकते हो 4 साल का कितना हो जाएगा। उसी तरीके से दो साल वालों के लिए भी है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल गया, तो आपकी फी 2 लाख के आसपास रहेगी। तो इस तरीके से वैसे भी अगर आप कर रहे हो, तो आपको इन चार बातों का ख्याल रखना चाहिए। वो पहला बात कौन सा है, वो मैं आपको बताती हूँ। सब्जेक्ट, वो पहली बात है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का चुनाव, आपने विषय का चुनाव अपने हिसाब से करें। अगर आप बीटेक हो, बीसीए हो, बीबीए हो, बीबीए वालों का तो मैं नहीं बता सकती, बीसीए हो, आप बीए हो, बीएससी हो, या कुछ भी, चलो बीबीए वाले भी, क्योंकि बहुत लोग बीबीए से भी होकर करते हैं। लेकिन उन लोगों के लिए मैं एक बात कह दूं, मैं साफ बात कहना चाहती हूँ, आप करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन आप लोगों के लिए कोई सब्जेक्ट ही नहीं हो पाते हैं। बाद में पता चलता है कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ। तो मैं बाकी सबका, बीकॉम वाले हो, इन सब के लिए ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, मैंने सब्जेक्ट का लिस्ट भी मैं मेंशन कर देती हूँ आपको, मैं कर दूंगी इस वीडियो के लास्ट में आपको। तो ग्रेजुएशन में आपका जो सब्जेक्ट है, वही सब्जेक्ट ले। आपको नीचे दिख भी रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है आपका। और आपका ग्रेजुएशन में साइंस है, तो आप साइंस में ले। साइंस में बहुत सारे चुनाव होते हैं, फिजिक्स साइंस होते हैं, क्योंकि 10th में जो सब्जेक्ट आपको पढ़े, वो भी मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है। प्राइवेट में बनना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन गवर्नमेंट में क्या 10th क्लास में इकोनॉमिक्स रहते हैं? क्या आपने उसमें पॉलिटी पढ़ा है? नहीं पढ़ा है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब तो रहते भी हैं। तो जो सब्जेक्ट रहते हैं, उन्हीं का चुनाव करें, वरना ना चाहिए। जो आपका ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट है, यानी कि आप जिस विषय से रिलेटेड, अगर आप साइंस से रिलेटेड है, तो साइंस ही ले। मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बस 5 मिनट। 5 मिनट में शायद आपकी लाइफ बदलने की एक छोटी सी कोशिश है मेरी। तो आप ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है आपका, वही ले। उससे ज़्यादा कुछ भी लेने की क्या, अगर आपका उर्दू है तो आप उर्दू ही लें। अगर आप हिंदी चाहते हैं तो हिंदी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपका साइंस है, मैथ्स है, बीटेक वाले हैं, तो उनका अप्लाइड मैथ रहता है, फिजिक्स रहता है, तो वो लोग वो सब्जेक्ट ले सकते हैं। अगर बीसीए है, तो इन लोगों के लिए तो वैसे भी ज़रूरत नहीं है बीएड करना। लेकिन हाँ, प्रमोशन पाने के लिए, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, तो आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा, और अंदर इंड स्क्रीन पर भी आपको वो वीडियो मिल जाएगा कि आखिर क्यों करना चाहिए। तो उसमें बीटेक वालों के लिए, उसमें बीसीए वालों के लिए भी है, तो आप देख सकते हैं। चलिए, अब दूसरा बात क्या है जिसका ख्याल रखना है आपको, तो दूसरा होता है ऑप्शनल। अगर आपके विश्वविद्यालय जहाँ आपका एडमिशन हो रहा है, तो उसमें पहला सब्जेक्ट तो आपको वो चुनने के लिए बोलेगा कि आप कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं। तो जो ग्रेजुएशन में है, उसी से लीजिए, ताकि आपको पढ़ा हुआ रहता है, 3 साल आपने उस विषय को पढ़ा है, तो आपको याद होगा। सेकेंड में आते हैं ऑप्शनल में। ऑप्शनल में कुछ भी ले लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, जो भी सब्जेक्ट आपने से रिलेटेड, आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। अगर आप साइंस के हो, तो आपने फिजिक्स का पहला चुनाव कर लिया, तो आप केमिस्ट्री या मैथ्स ले लेना। तो इस तरीके से सब्जेक्ट ऑप्शनल जो रहता है, वो आप चूज कर सकते हो। वो आपकी यूनिवर्सिटी पर रहेगा कि आपकी यूनिवर्सिटी में क्या क्या उपलब्ध है। तो अब ये दूसरी बातें हो गई। अब हम आते हैं तीसरी बात। तीसरी बात हमारा क्या है, तो क्रिएट ए स्टाफ, क्रिएट ए रिलेशन ऑफ ए स्टाफ। ठीक है, देखिए, वहाँ अगर आप बीएड करने जा रहे हो, तो अपनी वाणी को अपने कंट्रोल में रखो। वहाँ चपरासी होंगे, प्यून होंगे, फिर प्रिंसिपल होंगे, टीचर्स होंगे, उन सबसे एक रिलेशन मेंटेन करके रहा कीजिए। रिलेशन मेंटेन करने से क्या होगा कि आपको असाइनमेंट में हेल्प मिलेगा। असाइनमेंट में हेल्प मिलने के लिए जो है, आप मान लीजिए किसी दिन कॉलेज बाई चांस नहीं गए, आप रेगुलर क्लास कर रहे हो, तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो कुछ भी ऐसे गतिविधियाँ हुई, यानी कि एक्टिविटी हुई, गेम्स होते हैं, किसी भी स्कूल में जाकर पढ़ाना होता है, कुछ ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, तो आप उन सबसे रिलेशन मेंटेन करके रखोगे, या कुछ भी ऐसा करके रखोगे, दीदी, मैडम, भैया, सर, कुछ भी अगर करना चाहे, लेकिन रिलेशन जरूर मेंटेन करके रखना। अगर आप किसी कॉलेज में हो, आपका गुड बिहेवियर होना चाहिए। इससे आपको क्या होगा कि आपका जो कुछ भी ऐसा, अगर ऐसा होगा, आप नहीं भी आओगे, कॉल करके पूछ सकते हो। तो ये बातें रही। अब आते हैं हम चौथे बात पर, हाउ टू स्टडी फॉर एग्जाम। एक होता है एक्सटर्नल, एक होता है इंटरनल। तो एक्सटर्नल और इंटरनल एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से करनी पड़ेगी। आप 10th 12th का मार्क्स नहीं देखेगा। बीएड में अगर आपका 82-90% है, तो कहीं भी अपना डिग्री दिखाओगे, तो आपको क्या हो जाएगा, उससे
आपको एक बेनिफिट मिलेगा कि हाँ मैं ये डिग्री दिखा रहा हूँ। बीएड में अगर आपके मार्क्स कम है, 50 या 55% आ रहे हैं, तो किसी कॉलेज में भी जॉब नहीं मिलेगी, किसी स्कूल्स में भी जॉब नहीं मिलेगी, और कहीं भी आप फॉर्म अगर फिलअप करना चाहते हो तो वो भी आप कर तो सकते हो, लेकिन अगर इंटरव्यू होगा तो वहाँ प्रेफरेंस आपको नहीं दिया जाएगा। इसीलिए बीएड में कोशिश करना 70-80%। दूसरी बात, पढ़ाई के लिए आप नोट्स बनाना, नोट्स बनाने के साथ साथ वो मैं आपको जब चले जाओगे क्लास में तो मैं आपको बता दूंगी, आप मेरे चैनल पर बस बने रहना। आप जाओगे तो लाइब्रेरी जाओ, लाइब्रेरी में आपको फर्स्ट ईयर शुरू होने से ही आपको बुक्स मिलेंगे, उस बुक्स से नोट्स बनाया करो। आप सोचोगे कि मैं गेस गाइड लेके पढ़ लेता हूँ या ये लेके पढ़ लेता हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर लो, 55 से लेकर 65% तक ही मार्क्स आएंगे, जिस मार्क्स के कोई वैल्यू नहीं होने वाले हैं। अगर आपका 80% एवव मार्क्स आता है तो आपका वैल्यू होता है, या 70% एवव भी मार्क्स जाता है, जैसे आपने लाया है 90-70 इस तरीके का मार्क्स लाया है, तो कितनी वैल्यू है। आप गर्व के साथ कह सकते हो मुझे गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मुझे प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तो सेम एज इट इज इसमें भी वही है। अगर आपके मार्क्स, इसलिए यहाँ पे 10th 12th ग्रेजुएशन किसी का भी मार्क्स नहीं देखा जाएगा आपको, बस आप बीएड में अच्छा मार्क्स लाओ। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख लोगे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कैसे करना है आफ्टर बीएड। तो चलिए, आई होप कि आपको ये मेरा सेशन अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे वाले छोटे से बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप पुराने हैं तो 1 लाइक तो मेरे लिए बनता है, तो लाइक कर दीजिए। तो आपका दिन आज के लिए मंगलमय हो।